नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। अफगानिस्तान से लेकर पेंगोंग में निर्माण की चर्चा पिछले कुछ दिनों से हो रही है और अब इस मामले पर सियासत भी जारी है। इस बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेंगोंग झील पर चीन की तरफ से कराए जा रहे एक नए पुल निर्माण पर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। राहुल गांधी ने संबंध में शुक्रवार को राष्ट्रीय सुरक्षा की एक बड़ी चूक बताया है। राहुल गांधी ने पेंगोंग झील पर चीन की तरफ से निर्माण को लेकर ट्वीट करते हुए कहा, हमारी सीमाओं पर जो हो रहा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा की एक बड़ी चूक है। साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री से सवाल करते हुए कहा है कि क्या पीएम का भी इस बारे में बात करेंगे। पेंगोंग झील पर चीन की तरफ से कराए जा रहे निर्माण को लेकर राहुल गांधी केंद्र सरकार के खिलाफ आक्रामक रूप अपनाया हुआ है। इससे पहले राहुल गांधी ने मंगलवार को एक खबर का हवाला देते हुए ट्वीट करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा था और कहा था कि उनकी खामोशी की गूंज बहुत तेज है। उन्होंने कहा था कि हमारी जमीन, हमारे लोग और हमारी सीमाएं इससे कहीं बेहतर की हकदार हैं। हालांकि इस मसले पर गुरुवार को विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी और कहा था कि वो इस मामले पर नज़र बनाए हुए हैं। उन्होंने कहा था कि जिस जगह पर निर्माण कार्य चल रहा है वो पिछले 60 साल से ज़्यादा समय से चीन के कब्जे वाला क्षेत्र है। Look, we have seen reports, we had seen reports of the Chinese side naming some places in Arunachal Pradesh last week. We had at that time conveyed our views on such a ridiculous exercise to support untenable territorial claims. Calling Tuting as Taodang or River Shiom as Shiyuemu or even Kibitu as Daba does not alter the fact that Arunachal Pradesh has always been and will always remain an inalienable part of India. We hope that instead of engaging in such antics, China will work constructively with us to resolve the outstanding friction points in areas along the western sector of the line of actual control in India-China border areas. चलिए आपको बताते हैं कि ये विवाद कहां से शुरू हुआ। दरअसल जियो इंटेलिजेंस एक्सपर्ट डेमियन साइमन ने कुछ सैटेलाइट इमेज को देखकर नया खुलासा किया था। तस्वीरों से संकेत मिलता है कि चीन पूर्वी लद्दाख में पेंगोंग झील के पार एक पुल का निर्माण कर रहा है। झील के दोनों किनारों को जोड़ने वाला ये पुल चीनी क्षेत्र में आने वाली झील के एक हिस्से पर बन रहा है। इससे होगा ये कि पुल की मदद से चीन अपने सैनिकों को भारी हथियारों को तेजी से लाने की क्षमता बढ़ा सकता है और अब इस मामले पर सियासत तेज है। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।